हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे की बचत कर सकती हैं, साथ ही इनको करने में एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी पहली यूज़फुल टिप, यहाँ पे आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, जैसी भी आपके पास हो। तो मैं सबसे पहले आप पॉलीथीन का जो ज्वाइंट वाला पार्ट है आप उसको कट कर दीजिए। यहाँ पे पॉलीथीन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, आप छोटी भी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो पार्ट कर लिए। आपको क्या करना है, पॉलीथीन को एकदम प्लेन कर लेना है, इस तरह से खोल लेना है। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी पॉलीथीन की ज़रूरत होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है कोई भी ऑयल, मतलब रिफाइंड ऑयल ले लेना है या सरसों का ऑयल। यहाँ पे आपको देसी घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपल ऑयल ले रही हूँ रिफाइंड। बिल्कुल आपको 3 से 4 बूंद इस तरह से पॉलीथीन के ऊपर डाल देना है। बहुत ही यूज़फुल आइडिया शेयर करूँगी, आपको बहुत पसंद आने वाला है और ये अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन में आपने इस तरह से तेल को लगा लिया है, और लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़र में कैसे यूज़ करना है, आपने देखा होगा फ्रीज़र में जब भी हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, चाहे ट्रे में जमा रहे हों या फिर किसी भी कटोरे या बाउल में जमाते हैं ना, तो आपने देखा होगा वो फ्रिज की स्किन से बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। अक्सर हम लोग इस तरह से निकालते हैं, कभी तो ट्रे भी टूट जाती है या तो बर्तन नीचे गिर जाता है। तो आपको एक काम करना है, जब भी आप फ्रिज में कोई चीज़ जमाने के लिए रखती हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग ने ऑयलिंग करी है ना पॉलीथीन में, आपको इस तरह से पॉलीथीन फ्रीज़र के अंदर डाल देना है, मतलब बिछा देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, आप बिल्कुल नाप के भी काट सकती हैं। उसके बाद आप कोई भी चीज़ में बर्फ़ को जमाएंगी या कोई भी चीज़ आप फ्रीज़र में रखती हैं तो वो बिल्कुल भी उसकी सतह से नहीं चिपकेगी। होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हम लोग निकालते हैं, तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, जो भी बर्फ़ होगी वो पॉलीथीन के नीचे जमेगी, हो सकता है वो हल्की फुल्की थोड़ी सी पॉलीथीन में चिपक जाए, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर इस तरह से बॉटल को लेकर के है। आपने देखा होगा इस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या पानी की बॉटल हम लोग के पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम लोग उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। इनको हम लोग कई तरीके से घर में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बना करके रखा है और इसको हम लोग कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों तरफ छेद कर देने, मतलब होल बराबर मात्रा में। उसके बाद आपको क्या करना, कोई भी आप मजबूत डोरी ले लीजिए, रिबन ले लीजिए, दोनों तरफ गांठ लगा के इतना बड़ा आपको एक हैंग करने के लिए बना लेना है। अच्छा, इसको हम लोग हैंग कर सकते हैं अपने किचन में, जैसे कलछुल वगैरह, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते किचन छोटा होने की वजह से। तो आप इसको बना लीजिए, आप इसमें कलछुन, चिमटा, छन्नी जो भी रखना चाहे इसमें रख सकती हैं, और काफ़ी चीज़ें आ भी जाती है, इससे स्पेस भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी इस तरह से, जैसे छाता बरसात में हम लोग लेकर के आते हैं ना, गीला होता है, कहीं भी हम लोग टांगते हैं तो उससे पानी टपकता रहता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से छाते को इसमें डाल देना है। आप कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, नीचे से कैप लगा देना है। आप चाहे तो खुला भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप इसको कैप लगा देंगे जितना भी पानी रहेगा वो उसी में रहेगा और छाता भी आपका पूरी तरह से सूख जाएगा। तो दो आइडिया आपके साथ शेयर किए, जो भी पसंद आए तो आप ट्राई कर सकती हैं। अगली टिप इस तरह से बच्चों की जो पानी की बॉटल होती है ना, आपने देखा होगा बच्चे हफ्ते भर तो इसको लेकर के जाते हैं, लेकिन इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, नीचे मैल या गंदगी मतलब जम जाती है, अच्छे से हम लोगों का हाथ नहीं पहुँच पाता, ब्रश भी पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाता। तो बॉटल को अच्छे से क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़े से करीबन आधा चम्मच चावल के दाने लेने हैं, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है बेकिंग सोडा। अच्छा, जो बेकिंग सोडा होता है ना वो बैड स्मेल को रिमूव करता है, जो स्मेल आती है ना बॉटल में से उसको पूरी तरह से रिमूव कर देता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी डालिए और कस कस के आपको इसको शेक करना है, जितनी आपकी ताकत है आप कस के हिला लीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी इसके किनारे गंदगी जमी होगी बॉटल के नीचे तली में, तो वो पूरा चावल की हेल्प से निकल के बाहर आ जाएगी और बॉटल हम लोग के अंदर से पूरी क्लीन हो जाएगी। मैं हफ्ते में इस तरह से अपने बेटे की बॉटल को क्लीन करती हूँ तो बहुत ही क्लीन रहती है और जो बैड स्मेल आती है ना वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना लिक्विड, कुछ भी नहीं डालना है, बस इस तरह से चावल और बेकिंग सोडा डालना है, जिससे बैड स्मेल तो रिमूव हो जाएगी, साथ ही आपकी बॉटल भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी अंदर से, तो टेंशन खत्म। तो आप मतलब कि इस तरह से हफ्ते में एक बार बच्चों की बॉटल को जरूर धोएं, बहुत ही यूजफुल टिप है, ट्राई जरूर करिएगा।
अगली टिप फिर से मेरी फ्रिज को लेकर के, आपने देखा होगा गर्मी या बरसात में बहुत से लोग हैं जो कंटिन्यू फ्रिज को चलाते रहते हैं, जिससे बिजली का बिल तो ज़्यादा आता ही, लेकिन एक कारण और भी है जिससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा फ्रीज़र, मतलब फ्रिज हम लोग लगातार चलाते हैं, होता क्या है पूरी इसकी बॉडी में बर्फ़ जमती जाती है, धीरे 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 करके आप देखते होंगे फ्रीज़र पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। अच्छा, जब इस तरह से बर्फ़ पूरा, मतलब फ्रीज़र बर्फ़ से भर जाता है, तो होता क्या है ये बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए, कम से कम आप दिन में 2 से 3 घंटा फ्रिज को ज़रूर बंद करें, जिससे बिजली ज़्यादा कंज्यूम ना हो और बिजली की बचत ज़्यादा हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप फ्रिज को ओवरलोड मतलब पूरी तरह से भर देते हैं ना, तो फ्रिज को भी आप पूरी तरह से मत भरिए। कोई भी चीज़ अगर आप फ्रिज में रखती हैं, सब्जी या दूध, तो आप उसको ज़रूर ढक करके रखते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप बगैर ढक करके रखेंगे या ज़्यादा फ्रिज को भर के रखेंगे, तब भी बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, महीने में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडिया जब आप यूज़ करेंगे तो बिजली की बचत बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से कुकर को लेकर के, आपने देखा होगा जो कुकर होता है ना, हम लोग कुछ भी चावल वगैरह बनाते हैं तो उसका मतलब विजल निकलने के बाद भी कुकर बहुत देर तक मतलब गर्म रहता है। बरसात का मौसम चल रहा है, बिजली अक्सर आती जाती रहती है, कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों को स्कूल जाना या हम लोगों को कहीं ऑफिस वगैरह कहीं भी जाना होता है तो प्रेस करने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस समय बिजली नहीं आ रही है, तो आप बिना बिजली के भी कपड़ों को प्रेस कर सकती हैं। इसके लिए आप कुकर में कुछ भी बनाती हैं, जब विजल निकल जाती है तो कुकर करीबन आधे से 1.5 घंटा तक काफ़ी गर्म होता है, तो मैं अक्सर इस ट्रिप का यूज़ कर लेती हूँ। कभी लाइट वगैरह नहीं आती, इन्वर्टर भी नहीं काम करता है, बिजली बहुत ज़्यादा आ जाती है बरसात की वजह से, तो मैं बस इस कुकर की हेल्प से एमरजेंसी में प्रेस कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है, कपड़े भी बहुत ही अच्छे से प्रेस होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अपने बेटे की स्कूल की जो शर्ट होती है ना वाइट, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो जाएगी। और भी जो कपड़े हैं, तो आप करीबन 2 से 3 कपड़े आराम से प्रेस कर सकते हैं, इससे हम लोग की बिजली की बचत भी होगी और हम लोग का काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई कपड़ा प्रेस करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि जो कुकर की तली है ना, वो गंदी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ये लो दाल बनाया, ये चावल बनाया, तो उसके जो दागे कपड़ों में आ गए। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ, आप जब भी कुकर का इस्तेमाल करें, अगर इमरजेंसी में आप इस ट्रिक का यूज़ करते भी हैं, सबसे पहले आप कुकर की तली को अच्छे से पोंछ लें, ताकि कोई भी गंदगी इसके तली में ना चिपकी हो और वो जाकर के कपड़ों में चिपक जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे ना कपड़ों में, तो कपड़े बहुत ही अच्छे से प्रेस हो जाएंगे, कोई बिजली का खर्चा नहीं है और ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और कुकर भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इससे आप कपड़ों को बहुत ही आराम से प्रेस कर सकती हैं। यहाँ देखिए, मिनटों में मैं प्रेस कर सकती हूँ कपड़ों में, और शर्ट बहुत ही अच्छे से प्रेस भी होगी, आप अदर कपड़े को भी प्रेस करना चाहेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ पे कॉटन के कपड़े में बहुत ज़्यादा प्रेस गर्म होता है, इस वजह से अच्छे से मतलब प्रेस हो जाता है, लेकिन इस तरह से कुकर भी बहुत गर्म है तो कॉटन की शर्ट भी बहुत ही अच्छे से प्रेस होगी। यहाँ पे देखिए, मैंने एक टॉप को भी प्रेस किया है, तो सिंपल सा आइडिया, कुकर की हेल्प से आप काफ़ी ढेरों बिजली की बचत कर सकती हैं, साथ ही में मिनटों में कपड़ों को प्रेस भी कर सकती हैं। तो सिंपल से आइडिया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। घर के और भी जो कपड़े हैं उनको इस ट्रिक से यूज़ करके आप अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आप मेरा वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा वीडियो कहां कहां तक जा रहा है। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूं। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।